सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। अभी सुबह के लगभग 8 बजे है और मैं रूम से थोड़ा बाहर आ गया हूँ, थोड़ा गाड़ी से कुछ सामान वगैरह लेने आया था। तो अभी देखो आप व्यू चेक करो यार, व्यू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है पहाड़ियों का, और बर्फ़ वगैरह भी हल्के हल्के आपको दिख जाएगी पड़ी हुई, क्योंकि रात में तो अंधेरा था तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया। बट अब देखो आप कितना मस्त व्यू है, और स्नोफॉल वगैरह के आज तो देखो कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि धूप वगैरह बहुत ज़्यादा हैवी निकली हुई है। तो अभी स्नोफॉल का तो कोई भी चांस नहीं है, बट व्यू चेकआउट करो एक बार आप। देखो भाई व्यू देखो आप, देखो वो बर्फ आपको छतों पर पड़ी हुई दिख जाएगी थोड़ी थोड़ी, और देखो थोड़ा थोड़ा देखो नीचे भी दिख जाएगा। मैं हल्का सा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो बर्फ वगैरह दिख जाएगी, और वहाँ से धुआं सा निकल रहा है कुछ, और शायद से घर वगैरह है ना, क्योंकि वहाँ पर खाना वगैरह बना रहे होंगे लोग। देखो धुआं सा निकल रहा है, और सामने सूरज देवता एकदम पर्सन है, पूरे पर्सन हैं। और सामने का व्यू चेकआउट करो यार, कितना ज़बरदस्त व्यू है। तो अभी के लिए तो बस यही है, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, नहाएंगे, और उसके बाद फिर कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। तो तब आपको दिखाता हूँ कि बाकी और सब कुछ क्या है, कैसे है। तो अभी तो सिर्फ बस मेरे को गाड़ी से सामान निकालना है, तो अब निकाल के चलते हैं रूम में। तो चलिए फिर। तो गाइज अभी हम होटल से निकल के आ चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड, और फिलहाल जो है गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में खड़ी की है। ये पीछे का मेरा कुछ व्यू जो है कुछ इस प्रकार का है, कुछ ज़्यादा ही ओवर शार्पन कर रहा है भाई। हाँ तो अब देखो अब आया होगा बढ़िया। तो ये कुछ पीछे का कुछ व्यू ऐसा है, और भाई बर्फ़ वगैरह देखा पीछा कितना मस्त सीन है यार, काफ़ी बढ़िया है। और ये मैं हूँ कार पार्किंग में फ़िलहाल, यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, ठीक है। तो अभी मॉल रोड जाएंगे, बट मॉल रोड के लिए पैदल जाना पड़ेगा, तो इसलिए पैदल यहाँ पे जाएंगे, और गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में खड़ी कर दिया। तो अब चलते हैं भाई मॉल रोड के लिए, और एक बार आप पीछे का व्यू चेकआउट कीजिए, कितना बढ़िया व्यू है। तो एक बार मैं पीछे करता हूँ, तो देखो भाई ये रात में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट्स वगैरह जल जाती है सब, ठीक है। और बर्फ़ वगैरह आप देख सकते हो, देखो ये बर्फ़ वगैरह देखो भाई कितनी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट हाँ बर्फ़ वगैरह कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, सुंदर बोल सकते आप, कितनी ज़्यादा सुंदर है रियली। देखो भाई कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, थोड़ी धूप वगैरह आ रखी है, जिससे मतलब आँखों को है ना थोड़ी तकलीफ़ हो रही है बिना ग्लासेस के। सो गाइस अभी जा रहे हैं माल रोड के लिए, ये थोड़ा ट्रैकिंग वाला एरिया है, और बर्फ़ देखो भाई इस पर कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, ये साइड में भी। ये थोड़ा ट्रैकिंग वाला एरिया है, और थोड़ा जैसे अपर हिल्स पे आ रहे हैं ना, तो थोड़ी सी मतलब आप समझ सकते हो कि जो सांसें हैं वो थोड़ी सी फूल रही है, क्योंकि थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊपर की साइड। अब यहाँ से जाना है, और ये थोड़ा स्लिपरी एरिया हो जाता है यहाँ पे। और बर्फ़ वगैरह देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, और पीछे का व्यू चेकआउट करो यार। अभी मैं बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे, तो इसलिए मेरे को पता नहीं है कि कैसी वीडियो आ रही है, बट ये देखो पीछे कितनी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह है। और ठंड वैसे इतनी नहीं है, क्योंकि जो है धूप है तो इसलिए ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, आप समझ सकते हो कि मैं हाफ जैकेट में हूँ, ठीक है। सो भाई देखो ये यहाँ पे हम ऊपर माल रोड पे पहुँच चुके हैं, ये कुछ होटल वगैरह भी है ऊपर, और ये यहाँ से पूरी माल रोड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बर्फ़ वगैरह देखो भाई बढ़िया, एकदम बढ़िया, पुरानी हो चुकी है, थोड़ी गंदी सी दिखाई दे रही है बर्फ़, बट बढ़िया एकदम, मतलब मज़ा आ रहा है, थोड़ा इन्जॉय कर पा रहे हैं हम लोग। तो भाई हम है ना ऊपर माल रोड पर आकर ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये देखो ये है यहाँ की बर्फ़ हटाने के लिए मशीन लगी हुई है,
बर्फ़ वैसे तो काफ़ी पुरानी है, पर जो पिघल रही है ना उसको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो फिसलन पैदा ना करे, क्योंकि अभी पैर वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्किट हो रही है, स्लिप हो रहा है, तो इस वजह से बर्फ़ वगैरह यहाँ से हटाई जा रही है फ़िलहाल। अरे डॉगी देखा कहाँ पे बैठा है, जो मौत करता हूँ मैं। और सामने का व्यू भाई बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, मज़ा आ रहा है एकदम देखने के बाद। बर्फ़ वगैरह देखो वहाँ पे कितनी बढ़िया घनी बर्फ़, एकदम मज़ा आ रहा है देखने में काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल हम एक्चुअल मॉल रोड पे ही है और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह किया है हमने, तो अभी बस यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, बाकी देखते हैं कुछ अच्छा सा मिलता है हमको ख़रीदने को तो ख़रीदेंगे भी भाई यहाँ से। अभी मॉल रोड से ही एक रास्ता जा रहा है चर्च की साइड, तो चर्च में जा रहा है फिलहाल अभी देखने के लिए। और बाकी जो है चढ़ाई यार बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, मतलब एक बार अब मैं आपको बैक व्यू से दिखाता हूँ कि कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे, आप एक्चुअल देखो यार पैर एकदम थक रहे हैं। तो बहुत सारी चढ़ाई के बाद अभी हम ऊपर चर्च पर पहुँच चुके हैं, और पीछे देखो पीछे है मेरे ये चर्च, इससे ज़्यादा वाइड तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि तो इतना ज़्यादा वाइड में देख सकते हो आप, ये पीछे चर्च है मेरे। और व्यू बहुत अच्छा है यार ऊपर आने के बाद का व्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और सामने का अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे का व्यू दिखाऊं, बैक कैमरे से भी दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़े सिनेमेटिक्स में दिखाऊंगा, तो वो व्यू देखो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया व्यू है, और मतलब मज़ा आ गया भाई देखने के बाद। पीछे भाई बर्फ से ढके हुए छते वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है आने के बाद ऊपर। भाई ऊपर देखो वहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है ऊपर एक, बट अभी वहाँ पे नहीं जा रहे क्योंकि अभी है ना थोड़ा लेट हो रहा है हमको, तो अभी मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, और किसी की प्रेफरेंस नहीं है वहाँ पे फ़िलहाल तो जाने की, बट यहीं से ही भाई भगवान जी को हाथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम जो है माल रोड पे तो काफ़ी ज़्यादा घूम लिए हैं कि लक्कड़ बाज़ार वगैरह में काफ़ी जगह पर हमने माल रोड का एक्सप्लोर कर लिया है, बट अभी हम चलते हैं कुफरी की साइड, क्योंकि भाई हमारा मेन उद्देश्य है बर्फ़ देखने का, वो भी अच्छी खासी अमाउंट में। तो भाई अभी यहाँ के लोकल्स के द्वारा बताया जा रहा है कि कुफरी में हमको स्नो जो है देखने को मिलेगी, स्नोफॉल नहीं मिलेगी बट हाँ काफ़ी बिग अमाउंट में, काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो है हमको स्नो देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए अभी हम चलते हैं कुफरी में, और कुफरी में ही जाके अब आपसे मिलते हैं। तब तक आप थोड़ा सा है ना सफ़र को एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए आज सफ़र के, बर्फ़ के नज़ारे देखिए आके, क्योंकि बर्फ़ वगैरह तो भाई मिलने ही वाली है, अगर यहाँ के पे लोकल के द्वारा जो है बताया गया है तो बर्फ़ तो डेफिनेटली मिलने ही वाली है। तो गाइज अभी है हम कुफरी में, और देखो स्नो देखो भाई कितनी ज़्यादा स्नो है, और फ़ोन का एक्सपोजर थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है, वाइट वाइट हो रखा है क्योंकि चारों तरफ को, और यहाँ पे ट्रैफिक जाम यार बहुत जल्दी होता है, और
जो रोड है इस पे है ना ब्लैक स्नो लगी हुई है, यानी कि ब्लैक स्नो है इस पे, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है, तो बहुत आराम से चलानी पड़ रही है। तो अभी बस यहाँ से ही हम वापस हो रहे हैं, तो बाकी तो मैंने आपको दिखाया तो वो तो सारी मैंने दिखा ही दिया है आपको, तो वो सब आपको होप कि इंजॉय किया होगा आपने। भाई अभी कुफरी में भी काफ़ी घूम लिए हैं और साइड का नज़ारा देखो आप यार, कितना बढ़िया नज़ारा है, पहाड़ों पर बढ़िया तरीके से जो है ना बर्फ़ वगैरह लदी हुई है। तो अभी भाई कुफरी में भी अच्छे से घूम लिया है और बर्फ़ वगैरह काफ़ी देख ली है, अब बस मन भर गया है क्योंकि गाड़ी भी यार काफ़ी ज़्यादा स्किड कर रही है, क्योंकि सड़क पर है ना काफ़ी सारी ब्लैक आइसेस जम गई है, तो इस वजह से गाड़ी भी स्किड कर रही है। अभी तो आराम आराम से चल रहे हैं और ट्रैफिक जाम भी हो रखा है थोड़ा सा, तो इस वजह से थोड़ा आराम से जाना पड़ रहा है। तो चलिए फिर अब बस इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Be strong every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath hold, 'cause I can't move on till I let go.